हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से पावनी का पहला, आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 8, तो आज है मंगलवार, तो आज मेरा फास्ट है। तो मैं अभी जस्ट नहा के दिया जला के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मेरी अम्मा ने कर दिया है नाश्ता, खाए हमारोट अच्छा खाए छे। हेलो कर दे। हेलो, तुमने नहाएगा? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक खाएगा। तो अम्मा ने रोटी खा दी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो, हमारे ना ककड़ी के फूल भी लगने लगे हैं, छोटे छोटे। पता नहीं ककड़ी कब लगते हैं, मैं तो इंतजार में बैठी हूँ कब ककड़ी लगेंगे, कब खाएंगे। और ये गिठी का बेल, पहाड़ी गिठी कुनन जनन है। और ना सब्जी बहुत ज्यादा स्वाद और फायदेमंद भी होती है, जो खांसी वगैरह में काम आती है। गिठी को उबाल के खाया जाता है और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। अभी दाने नहीं लगे हैं इसमें, जब लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतना बड़ा बड़ा बेल हो रहा है, और कोयले में डाल के फिर जब ये अच्छे से भुन जाते हैं, फिर तो बहुत ही ज्यादा स्वाद होते हैं ये। ठंडियों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। इतनी बड़ी तुरई की बेल हो रखी है, अभी इसमें तुरई भी नहीं लगे हैं, पता नहीं कब लगते हैं। अब तो लगने चाहिए वैसे, काफी बड़ा हो रखा है इसका बेल। और हमारे गन्ने भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये वो साइड भी है, गीठी जो यहाँ पे है वही वहां भी है आगे, क्योंकि अम्मा ने गीठी बहुत लगा रखी है। नीचे भी है, आप लोग देख सकते हो। भिंडी तो हमने बहुत सारी खा दी है इस बार, दीदी के वहां भी पहुंचा दी है। बैगन तो कम ही खाए थे, क्योंकि बैगन तो सारे बंदर ले गए। और ये गीठी के बेल तो इतने ज्यादा आ रखे हैं, इधर इधर को सारे फैल रखे हैं। तो अभी मैं आई हूँ अपने चाचा लोगों के अंदर, नंदन चाचा लोगों के अंदर। तो आज बिना अम्मा का गैस खत्म हो गया है, तो उन लोगों ने आज चावल इनके ये। तो उनका गैस खत्म होने की वजह से वो यहाँ लेके आए हैं, यहाँ पे रख दिया है चावल। दो दो गैस थे, दोनों खत्म हो गए, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से गाड़ी बेरी ना कम जा रही है, तो इसलिए गैस नहीं भर रखे हम लोगों ने। तो वो बोल रहे थे हमने गैस पे तो रख दिया था, अगर रखा नहीं होता तो हम आग में बना लेते चूल्हे में। तो थोड़ा सा चावल साथ गर्म हो गया था, उसके बाद हमारा गैस हो गया था खत्म। माँ आग्यो शायद सीट आ गए, तीन चार आ गया। तो ये है मेरे चाचा लोगों का घर, नंदन चाचा, और यहाँ पे बगल में बीना अम्मा का घर। तो बीना अम्मा ले गए भात, तो बीना अम्मा लेके चले गए भात, बन गया उनका भात। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 5, और काफी अच्छा मौसम भी हो रहा है अभी, और धूप वहाँ पहुँच रखी है आधी आधी, बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बीना अम्मा लोगों ने गाय बकरी वगैरह सब बाहर ही रखे हैं, बांध रखे हैं, और वहाँ पे धुआं भी लगा रखा है, क्योंकि शाम के टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे धुआं। और एक तो भैंस ब्लैक कलर का होता है, काला, और उसको ज़्यादा ही काटते हैं फिर मच्छर। और इनके पास दो दो बकरियाँ भी हैं, दो बैल हैं, एक भैंस का बच्चा है, एक भैंस दूध देने वाली भैंस, जिसमें से हम भी मट्ठा पीते हैं डेली, फ्रेश फ्रेश मट्ठा पीने को मिलता है हमें। तो दोस्तों ये देखो, बिना अम्मा की बहुत सारी भिंडी भी लग रखी है, इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं। हमने तो पहले ही खा दिया भिंडी, अब हमारे नहीं लग रहे हैं, खत्म हो गए। और इनके इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, और बहुत सारे भिंडी भी लग रहे हैं। दो तीन दिन तो सब्जी हमने भी खा दी। और अमरूद दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे बीना अम्मा के पेड़ पे अमरूद भी लगे हुए हैं, ये देखो। इतने छोटे से हो रहे हैं अभी,
ये बिना अम्मा के घर के पास में ही है। ये रहा अमरूद का पेड़ पूरा। तो वहां पे राहुल बैठा है जो खेल रहा है फ्री फायर। हमेशा ये फ्री फायर में बिजी रहता है। और ये देखो बिना अम्मा ने इसमें बना रखा है पहाड़ी में जो है कुना दो भैंसा ऊपर। इससे भैंस ज्यादा दूध देती है। पता नहीं इसमें क्या क्या डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो। ये दो गुना नहीं है रोजे बंधुन बिना अम्मा भैंसा ऊपर। और ढेग रहो क्या कि बंदर नहीं है जानती, बंदर घर के सामने आके खा जाता है नहीं तो। तो ये जो भैंस है इसके लिए है ये, क्योंकि इससे दूध ज्यादा देते हैं शायद, इसलिए उन्होंने बना रखा है दो। पहाड़ी में ये है दो हुनान, वैसे चारा भी बोला जाता है इसको, भैंस का चारा है जैसे कि वही। तो दोस्तों मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। ने भी धुआं लगा रखा है और पूजा अचीले लहरन पिरू आग जगोनी फिर अपू भैंसला लगा ले ले धूं। इंछन नबीना गुरबाच बकार तमापा तीन बकार हने एक कह लहा तय का पाठ है। अच्छा ये देखो नबीन के तीन तीन बकरियां हैं। मार्चिस का उपयोग नहीं करते हुए पूजा चाची कंजूसी दिखा रही है। ये देखो इन्होंने भी लगा दिया है धुआं, क्योंकि ये बोल रहे हैं अंदर कौन जा पाएगा फटाफट, इससे अच्छा इनसे ले जाते हैं। और राजेश आज पहले ही भर के ला गया पानी। पानी नहीं पिला रहे है क्यों? कौन दिया धर्म हूँ बेल यार। तो राजेश पूछ रहे अपनी मम्मी से मैं रोड में जाऊं, नक्श भी आ गया है, मेरे को क्यों नहीं रुके रहे आज, मेरे को क्यों नहीं रुका, क्यों भर के लाया जल्दी रोड में जाने के लिए। हाँ आ मूड ना हो बेल्टनार हेला, आज जल्दी जाना मूड अरे हेला भाई, मच्छरों का काफी आतंक फैलते हुए धुआं लगा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। पिंकी चाची लोग घास लेके आ रहे हैं, धान नेल के आ रहे हैं, चले गए डूमर खेत को। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ पानी भरने। नक्स राजेश लोग तो भर के आ गए, लक्ष्मी और मैं जा रहे हैं, मैं सिर्फ गैलन ले जा रही हूँ क्योंकि मैं दिन में भर के लाई थी। तो लक्ष्मी भी मेरे को रुकी थी, अब हम जा रहे हैं धारे। और ये देखो इतनी ज़्यादा घास हो रही है यहाँ पे, पूरे रास्ते में भी हो रही है। और ये लक्ष्मी काट नहीं रही है, यानी कि ये पावनी जी काटने वाली है। मैं क्यों काटूँ भाई, ना मेरी गाय ना भैंस। ये देखो मैंने बहुत पहले आपको एक घास दिखाई थी, उसका नाम मैंने आपको बताया था पगड़ी। तो ये है पकड़ दो इसको, ये छू पगड़ी झाड़, ये नाम हो पगड़ी झाड़, ऐसा ठुले गए छान। तो धारे जाते जाते यहाँ रोज अलग अलग चीज दिखाई देती है, कभी लक्ष्मी लोगों का कद्दू का बेली गिर जाता है नीचे को, और कभी ये घास ही नहीं काटते हैं। तो दोस्तों जो परसों तक हमारा रास्ता खराब हो रहा था, आज वो बहुत अच्छा बना दिया है, क्योंकि दीवार लग रही थी इसलिए आज तक रास्ता बनाया नहीं इन लोगों ने। तो मैं आपको रोड में जाके दिखाती हूँ कैसा रास्ता बन रखा है यहाँ पे। तो ये देखो हमारा रास्ता अच्छा हो गया है, क्योंकि इधर को दीवार नहीं लगी थी पहले, अब पूरी दीवार लग चुकी है इधर को। और ये छो हमारा घर जाने वाला बाट अब जो बहुत अच्छे बना है, जिसमें हमें मतलब घड़ा वगैरह ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और जो लोग घास से आ रहे थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, यहाँ पे भारी होता है एक। तो अब अच्छा बना दिया रास्ता, अभी और अच्छा बनाएंगे इसको। तो ये देखो यहाँ पे इतनी सारी बजरी भी रख रखी है, क्योंकि रेत बजरी को नंबर पानी में रेता मतलब, क्योंकि दीवार में लगाने के काम आएगा वो, प्लास्टर करने के काम, इसलिए रोड में रख रखा है बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड। तो हम पहुँच गए हैं धारे पे। आज लक्ष्मी तू भर गया, मेरे गले में दर्द हो रहा है कि मेरे को पानी पीने का मन करेगा। तो आज भरेगी लक्ष्मी पानी,
क्योंकि मेरे हो रही है गले में दर्द। तो आज मैं आज पानी में मट्टी मिला दूंगी। मट्टी मिलाएगी, मिला के दिखा ना। तो मेरे गले में थोड़ी दर्द भी हो रही है, जुकाम भी लग रखा है मेरे को। और ये मेरे को चिढ़ा रही है, इतना टेस्टी हो रहा है बोल रही है पानी। मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है आज। और क्या बोलते हैं, जुकाम भी लग रखा है मेरे को थोड़ा, इसलिए मैं धारे पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी पानी पीने का मन कर रहा है। बट अम्मा बोल रही थी ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना, फिर बुखार आ जाएगा कहीं। एक तो मौसम चेंज की वजह से भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और पानी भी बदला हो चुका है। अभी जो बारिश का वाला पानी होता है वो इसमें मिक्स हो गया है। चेह को ना छो फुटी पौने पहाड़ी में छो पौना और धारा पौन एक दगा मिल गया, तो उससे शायद थोड़ी तबीयत भी खराब होती है, जुकाम वगैरह लगता है। वो देखो अम्मा लोग घास काट के भी लेके आ गए हैं खेत से, एक एंड फिर भैर लोमान फिर खेत के हैं वो। तो लक्ष्मी ने मेरा गैलन भी भर दिया है, धन्यवाद लक्ष्मी बहुत बहुत शुक्रिया। चल के नहीं आ रही अम्मा, आ गया जा रहे हैं। चल तो अब हम जा रहे हैं घर को। तो नीचे खेत में धान की खेती बहुत खूबसूरत हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत धान दिख रहे हैं जीव हुनानवा। तो ये देखो अभी बारिश की वजह से पूरा पानी आ रहा है, जहाँ पहाड़ी में गुना छो फुटता तो यहाँ पूरा छो फुटता। तो आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का सा दिख रहा है पानी, ज़्यादा तो नहीं दिख रहा अभी। तो आज हमें इस रास्ते से जाने में थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि रास्ता सही हो गया है। नहीं तो एक आदमी गैलन पकड़ता था, फिर ऊपर को आते थे बड़ी मुश्किल से। तो अब सही है रास्ता। तो लक्ष्मी भी पहुंच गई है घर, बाय लक्ष्मी। तो दोस्तों मैं भी पहुंच गई हूँ घर, तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा भी हो गया आज। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब लोग भले रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।